बिहार में बालू संकट अब खत्म होने की कगार पर है। शुक्रवार को राज्य के 81 बालू घाटों से खनन की अनुमति मिल गई। इनमें से 76 घाटों से बालू का उठाव का काम आज से शुरू हो जाएगा, जबकि 5 घाटों से बालू उठाव का काम अगले 4-5 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले राज्य में 44 घाटों से बालू उठाव की ही इजाजत मिल पाई थी। राज्य के जिन 8 जिलों के 81 बालू घाटों से खनन की अनुमति दी गई है, वे सभी घाट 25 एकड़ से कम रकबा वाले हैं, लिहाजा इन घाटों से खनन के लिए पर्यावरण सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। इन सभी घाट की बंदोबस्ती साल 2015 में की गई थी। हम आपको बता दें कि बालू उठाव का काम बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। घरों का निर्माण काम ठप पड़ा हुआ था और इस फैसले से बड़ी राहत उन लोगों के लिए जिनके घर का निर्माण चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब उनका काम दोबारा से शुरू हो पाएगा। तो लोगों के लिए राहत की खबर है, बालू उठाव का काम आज से शुरू हो जाएगा। जी मीडिया संवाददाता साकेत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस फैसले के बारे में। साकेत, लंबे समय से लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, खासकर उनको जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, घर का निर्माण अधूरा पड़ा है, उनके लिए अच्छी खबर, बालू उठाव का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पर्यावरण के नियमों का क्या होगा जिसके आधार पर बालू उठाव को बंद किया गया था? देखिए बिल्कुल राजेश, एक बड़ी राहत की खबर है जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो काम करते हैं और खास करके जो रियल एस्टेट सेक्टर जो बिहार में काम कर रहा है उसको लेकर, और सरकारी काम भी बहुत से ऐसे हैं जैसे पुल निर्माण निगम और भवन निर्माण निगम के कई ऐसे काम थे जो पूरी तरह से ठप थे, जिसमें कि पटना में विधायक फ्लैट बनाने का मामला था और इस तरह के कई ऐसे काम हैं जो ठप पड़ा हुआ था पिछले 1.5 से 2 महीनों से। लेकिन अब जब ये फैसला सरकार ने लिया है, जो मुनेश्वर चौधरी खान और भूतत्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि 81 घाटों पर जो बालू खनन का काम है वो शुरू होगा। फिलहाल 76 घाट पर आज से, यानी शनिवार का नाम उन्होंने कहा था, आज से शुरू हो जाएगा और बाकी जो 5 बालू घाट है उन पर भी 2-3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, वहां से भी खनन का काम शुरू होगा। तो ये एक बड़ी राहत है और जो हजारों करोड़ का राशि जो इस पूरे काम को लेकर प्रभावित हो गई थी वो अब कहीं ना कहीं उनको उन लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन जहां तक पर्यावरण की बात हम करेंगे राजेश, ये सबसे अहम बात है क्योंकि लगातार जो दिखते रहा है कि जो खनन का काम है वो जहां तहां किया जाता है और इससे जो नदी का जो बहाव है, नदी की जो धार है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है और इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, बाढ़ की स्थिति बनती है और इस तरह की कई चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जो पक्ष यहां सरकार के तरफ से रखा गया है, राज्य सरकार के तरफ से, कि जो 25 एकड़ से कम रकबा वाले जो बालू घाट है वहां पर यह काम होगा और इसके लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं है पर्यावरण विभाग से। तो ऐसे घाटों को अभी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर का जो खनन का काम है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पर मुस्तैदी के साथ मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ताकि कोई भी गलत तरीके से साकेत नजर बनाए रखने की जरूरत है और खासकर ये देखे जाने की भी जरूरत है कि जो पर्यावरण के नियम हैं, जो एनजीटी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, उस पर पालन हो रहा है कि नहीं। और सरकार ने ये नियम बनाया है कि 25 एकड़ से कम रकबा वाले जो बालू के घाट हैं, फिलहाल वहीं से बालू का उठाव होगा।